हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 10 हैबिट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को हेल्दी लाइफ बना सकती है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल बना देगी। ये 10 बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, अब आपको लगेगा 10 चीज़ों से कैसे लाइफ हेल्दी हो जाएगी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो वैसी वाली बात है, अगर आप ये छोटी छोटी हैबिट्स को अपना लेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत हेल्दी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। है ड्रिंक वाटर। हम सुबह उठते से पानी पीते हैं तो हमें सुबह उठते से गर्म पानी पीना है। सुबह सबसे पहली बात तो गर्म पानी पियेंगे। बहुत सारे लोगों को गर्म पानी पीना पसंद नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें एक स्लाइस नींबू का डाल लीजिए और वो पानी आप पीजिए, तो आपको आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा और आपको वो पीने में भी अच्छा लगेगा। और दिन भर हम कितनी क्वांटिटी में पानी पीते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पीने से आपको बीमारियाँ कम होंगी, सबसे पहली बात तो आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहेंगे और आप पूरे दिन अपने बॉडी में जो बहुत सारी एनर्जी महसूस करेंगे। तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक की और, ईट हेल्दी। ईट हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाना है, या मैं बोल रही हूँ आपको बॉइल खाना खाने के लिए, वैसे नहीं। आप अपने आप जब खाना खा रहे तो उसमें वेराइटी ऑफ फूड होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए हैं। तो हमारा जो फूड है वो ट्राई कीजिए कि सात्विक फूड आप ज़्यादा खाएँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तामसिक फूड नहीं ही खाना है, ऑब्वियसली हमें आदत होती है तामसिक फूड खाने की, तो वो भी खाइए, पर सात्विक फूड खाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स खाइए और बहुत सारे फ्रूट्स खाइए जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेंगे, आपकी स्किन को अच्छा रखेंगे, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेंगे और आपका वेट भी मेंटेन करने में आपका जो फूड है वही हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात तो फूड ही है हमारा मेडिसिन, आपने सुनी होगी ये लाइन। तो उसी तरह से जैसा हम फूड खाएंगे हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, मेडिटेशन कीजिए। आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालिए अपनी पूरे 24 आवर में से, जिसमें आप बैठकर मेडिटेशन करें या फिर लेट कर करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, और स्टार्ट कीजिए गाइडिंग मेडिटेशन के साथ। क्योंकि आप अगर बिना कुछ सुने मेडिटेट करेंगे तो हो सकता है आप सो ही जाएं, तो गाइडिंग मेडिटेशन के साथ स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत सारे मेडिटेशन है जो मैं खुद करती हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मेडिटेशन से क्या होगा, आपका माइंड काम होगा, आप अपने दूसरे कामों पर भी फोकस कर पाएंगे और आपका जो आपको जो पूरा इतना स्ट्रेस हो जाता है वो स्ट्रेस कम होगा, रिलीफ होगा। और अगर आप और ये बेसिकली मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, हो सकता है आप सोते टाइम करें, उठते से ही कर सकते हैं, या दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है सिर्फ 10 मिनट के लिए आप बैठ कर या लेट कर, जैसे भी आप करना चाहें, मेडिटेशन कीजिए। ये बहुत अच्छी आदत होगी आप खुद, और ये जो मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ना, बेसिकली ये आपको एकदम से इफेक्ट नहीं देंगी आपकी लाइफ में, बट धीरे धीरे आपको इनके इफेक्ट्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसे बोलते हैं, वो दिखने लगेंगे। एक्सरसाइज डेली, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट। अगर 1 घंटे के लिए नहीं कर सकते हैं तो कम से कम, मैं बोल रही हूँ, 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए। 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे तो बहुत है वो। 15 मिनट के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, अपनी पसंद की एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आप मेंटली फिट रहें और आप पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप सुबह अगर अपनी सारी बॉडी के मसल्स को चला लेंगे ना, तो आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा। अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 15 मिनट आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार और 5 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका प्राणायाम भी हो जाएगा और आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बो अगर आप 15 मिनट्स ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो। पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ खामियां ढूंढते रहते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। तो हम ये सब हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को कैसा बना रहे हैं। क्या हमारी सोच सच में नेगेटिव है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ सुनिए, सॉन्ग सुनिए जिससे आपको लगता है कि आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सुनिए। पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे कि आप अपने आप में पॉजिटिविटी फील करने लगते हैं, या मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू फील पॉजिटिव, वो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, थिंक पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पास की जो वाइब्स हैं,
आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी वाइब्स नेगेटिव है तो आपको हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही अट्रैक्ट करती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की जो वाइब्स है वो कैसी है, इसलिए थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा और आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव है खुद के अंदर से ही तो आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो भी नेगेटिव ही रहेंगे और आपको और वो अंदर से खोखला करते रहेंगे। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, गिव अ टाइम टू योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को समय देना, अपने आप के साथ समय बिताना है। दिन में मुश्किल से 10 या 15 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, तो उस टाइम वो टाइम सिर्फ हमारा होना चाहिए। मतलब हम बैठें या हम एक कप बैठ के चाय पिए आराम से, या फिर जिस भी तरह से आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं उस टाइम में, आप गाना सुन सकते हैं अगर आपको कोई गाना पसंद है सुनना, और कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब यह सिर्फ शांति से बैठे रह सकते हैं, कुछ नहीं करना है तो एकदम शांति से 15 मिनट बैठे रहिए और खुद के बारे में सोचिए कि यू आर ऑल्सो एग्जिस्ट, आप भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तो आप क्या है। या फिर उन हो सकता है उन 10-15 मिनट में आपको समझ आए कि आपको क्या करना है लाइफ में, या फिर आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम अकेले बैठते हैं और जब टाइम हम अपने आप के साथ स्पेंड करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सोना और उठना टाइम पर, ये बहुत कम लोगों से हो पाता है, पर ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जल्दी सो जाएं और जल्दी मॉर्निंग में उठ जाएं तो हमारा जो दिन है वो बहुत लंबा होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है, और हम पूरे दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितने सारे काम एक दिन में अपने ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने लिख लिया है अपने कामों को, या आपको पता है कि आपको क्या क्या काम करना है, तो आप अगर जल्दी उठ जाएंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपकी एक्सरसाइज हो जाती है आपका, अगर आप कुछ वर्क करते हो तो वो हो जाता है, आप घर में हेल्प कर सकते हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत ही अच्छी हैबिट है, तो आपको एकदम टाइम पर सोकर टाइम पर उठना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम 6 से 7 घंटे की नींद की हमें ज़रूरत होती है। तो उस अकॉर्डिंग आप सो जाइए रात में, और उसी अकॉर्डिंग मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे उस तरह से उठ जाइए, तो आपका दिन भी बहुत प्रोडक्टिव होगा आपको। और ना मैं सच बताऊँ, जब मैं उठती हूँ ना मॉर्निंग में जल्दी, तो मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, और बहुत सारा टाइम इवन बच जाता है, तो हम इवनिंग में भी नैप ले सकते हैं, जो सभी को पसंद होता है ऑब्वियसली, तो वो भी हम कर सकते हैं अगर हम जल्दी उठ जाएंगे तो। डेडलाइन मतलब आपके जितने भी काम हैं, जो भी काम है आपके, आप उनकी ना एक डेडलाइन बना लीजिए कि मुझे ये काम इतने समय में ख़त्म करना है, मुझे ये काम इतने समय में ख़त्म करना है। तो आपका सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस इससे बहुत कम हो जाएगा। मतलब आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। आपको पता है, अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया है कि मुझे ये काम इतने समय में ख़त्म करना है, अगर वो काम समय से पहले हो जाएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जिसमें आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, या आपने जो बाकी काम है उनको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और शाम को रिलैक्स कर सकते हैं। तो पहले डेडलाइन फिक्स कर लीजिए। अब जो मेरा काम है वो ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें ना एग्जैक्ट डेडलाइन फिक्स, मतलब मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं उसमें फिक्स कर लूँ कि मुझे ये करना है। ऑब्वियसली मैं एक योगा टीचर हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में क्लासेस लेनी, दिन में मेरा टाइम खुद का रहता है और इवनिंग में मेरी क्लासेस रहती हैं। तो मेरा ऐसा डेडलाइन वाला काम नहीं है, पर बहुत सारे होते हैं जो ऑफिस वर्किंग होते हैं और इस तरह के जो भी लोग हैं, वो अपनी अगर डेडलाइन फिक्स कर लेंगे कि मुझे ये काम है और ये मुझे ख़त्म करना है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। उनका माइंड काम रहेगा और उनके पास ऐसा फील होता है मैं अंदर से कि यार हमारे पास बहुत सारा टाइम है और इतने टाइम में हम ये काम कर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कि आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कि मुझे काम इतने समय में ख़त्म करना है, ये काम इतने समय में ख़त्म करना है। वो काम जैसे ही ख़त्म होता है, जब आप उस पर राइट टिक करते हैं ना, तो इतना अच्छा फील होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब सेटिस्फेक्शन फील होता है आपको खुद को अंदर से कि यस मैंने ये काम कर लिया है आज का मेरा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी डेडलाइन फिक्स हम बोल सकते हैं नहीं भी होती है, होती भी है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ना डेडलाइन एकदम फिक्स नहीं होती है, पर हम उनको फिर भी लिख कर रखें। अब अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें करना है, हमको पता ही अभी नहीं हो सकती आज के दिन में, या नेक्स्ट वीक में भी नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ उसको लिख कर रखें एक बार,
और हम अपनी डायरी ओपन है तो ऑब्वियसली हम उनसे गो थ्रू होंगे, तो हमें वो हमेशा याद आती रहेगी कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट टू राइट ए डायरी और राइट एनी थिंग ऑन योर मोबाइल के नोट्स, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल है और सभी के मोबाइल में नोट्स ज़रूर होते हैं. ऑलवेज स्माइल, मतलब स्माइल बोलना एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, आप बोलोगे स्माइल से क्या होता है, पर स्माइल इज समथिंग कि आपने कुछ गलत काम कर दिया या आपसे कुछ हो गया है गलती से और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सामने वाला पूछेगा और आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे, तो आप सिर्फ स्माइल के साथ सॉरी बोल देंगे ना तो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. आप किसी को भी, आप, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि किसी को भी स्माइल कीजिए, बट ऑब्वियसली बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और हम अपने सिर्फ गुस्से की वजह से और अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने ईगो की वजह से उस चीज़ पे लगे रहते हैं, पर हम सिर्फ स्माइल के साथ एक बार ठीक है बोल देंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है. और एक स्माइल ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी का दिन बना सकती है. मतलब आप मॉर्निंग में उठे हो और आपने उठते से कोई किसी का एकदम सड़ा हुआ आपको फेस दिख जाए और आप उस पर स्माइल कर दो ना, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है एकदम और आपका दिन भी बन जाता है कि आपने सुबह सुबह उठते से ही किसी को स्माइल करवा दिया और आपके बहुत बड़े बड़े काम एक छोटी सी स्माइल कर सकती है. बी ग्रेटफुल का मतलब है कि हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो भी हमारे पास है, जो भी हम खा रहे हैं, हम इस लाइफ को जी रहे हैं, हम इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, और जो भी हम, जितने भी लोग हमारे पास है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. हर चीज़ के लिए हमें, मैं बोलूँगी कि थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है. हर दिन जब आप रात में सोएंगे ना तो एक बार थैंक यू, जिस जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, उनको थैंक यू बोल के ज़रूर सोइए. आपको खुद को अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी, आपको बहुत ही एक अच्छी एनर्जी फील होगी और आपको एक अच्छा महसूस होगा कि वाओ मेरे पास ये चीज़ है. तो उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड रही है. और मैं खुद अगर मैं रात में सोती हूँ तो मैं हर दिन एक बार थैंक यू ज़रूर बोल के सोती हूँ कि थैंक यू फॉर दिस लाइफ एंड थैंक यू फॉर दिस फूड और थैंक यू हर चीज़ के लिए बोलती हूँ जो भी मेरे पास है ज़िंदगी में. तो थैंक यू ज़रूर बोलिए. ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, बहुत ही स्मॉल पॉइंट लगेगा आपको, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है. आप जब ऐसा करना स्टार्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में तो आप धीरे धीरे खुद से महसूस करेंगे चीज़ें. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो बहुत ही छोटे से टॉपिक पे था, हम बोल सकते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, पर ये बेसिक चीज़ें ही बहुत आपकी लाइफ को बहुत बेहतरीन कर सकती है. मैं बोलूँगी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदलती है तो ही हमारी ज़िंदगी है, और जो मैं बोलूँ लाइफ स्टाइल वो चेंज होती है. तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी मेंटली आप इससे हेल्दी रहेंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा अगर आप ये एकदम छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे, और आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी और आप बहुत अंदर से खुश रहेंगे आप ऐसी चीज़ें करेंगे. तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं कमेंट्स में मुझे प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको लगता है कि सभी जितने भी लोगों को ये पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है, उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.